दोस्तों अब आप भी टाइटैनिक के सफर का मजा ले सकते हैं, वो भी इसी साल यानी 2022 में। पर आप सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक तो डूब गया था, फिर ये कैसे संभव है? क्योंकि टाइटैनिक को डूबे 110 साल हो चुके हैं और इसका मलबा भी अभी तक समुद्र में ही है। लेकिन फिर भी टाइटैनिक पर यात्रा करने का सपना अगर आप भी देखते हैं तो वो टाइटैनिक 2.0 के साथ पूरा होने वाला है। पर इससे पहले कुछ सवाल है मन में, जैसे क्या ये भी टाइटैनिक की तरह डूब तो नहीं जाएगा? क्या इसमें भी उसी की तरह सुविधाएं होंगी जो टाइटैनिक में थी? इसमें कौन से नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं? और भी तरह तरह के सवाल अगर आपके मन में भी टाइटैनिक 2.0 को लेकर चल रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टाइटैनिक 2.0 के बारे में सभी बातें जानेंगे, पर पहले उसको जाने जो इसको बनाने की घोषणा कर चुके हैं। 26 मार्च 1954 को जन्मे क्लाइव फ्रेडरिक पामर एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं। उनके पास लॉयस्क, निकल और कोयला के होल्डिंग्स हैं। साथ ही वो पोर्ट डगलस में पामर सी रीफ गोल्फ कोर्स, रोबिना में पामर कॉलोनियल गोल्फ कोर्स और पामर गोल्ड कोस्ट गोल्फ कोर्स के भी मालिक हैं। पामर ने अप्रैल 2013 में पामर यूनाइटेड पार्टी बनाई थी। 2013 में ऑस्ट्रेलिया आम चुनाव की जीत हासिल कर वो एक बार के लिए सांसद भी रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली है और पूरी तरह से अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, खासकर टाइटैनिक 2 को बनाने में जो उनकी कंपनी ब्लू स्टार लाइन के अंडर बनाई जा रही है। इसकी घोषणा उन्होंने टाइटैनिक के डूबने के 100वें सालगिरह पर की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि टाइटैनिक 2.0 का लुक और फील बिल्कुल टाइटैनिक की तरह होगा। उसी वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि साल 2016 तक टाइटैनिक 2.0 बनकर तैयार हो जाएगा, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इस तारीख को 2018 कर दिया गया। फिर एक बार इसकी तारीख बढ़ी और अब 2022 में टाइटैनिक 2.0 को समुद्र की लहरों पर देखे जाने की घोषणा की गई है। हालांकि इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। जिसने भी ये बात सुनी उसके मन में शंका है कि क्या टाइटैनिक 2.0 का भी वही हाल होगा जो पहले टाइटैनिक का हुआ था। जाहिर है ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो फिर इनमें किन किन बातों का ख्याल रखा गया है ताकि वैसा खौफनाक हादसा फिर ना हो सके जिसमें 1,500 लोगों की जान चली गई थी, या फिर टाइटैनिक 2.0 अनसिंकेबल होगा? इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि 110 साल पहले और प्रेजेंट में हर चीज के दाम काफी बढ़ गए हैं, इसलिए जाहिर है इसकी लागत में फर्क आएगा। पहले टाइटैनिक की लागत $7.5 मिलियन यानी तकरीबन 75 लाख रुपए थी और इस आधुनिक टाइटैनिक 2.0 को बनाने में अभी तक $500 मिलियन यानी 36 अरब रुपए लग चुके हैं। इसकी कॉस्ट समुद्र की लहरों तक आते आते और भी बढ़ सकती है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इतना बड़ा अंतर होने के बाद भी दोनों के कॉस्ट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 110 साल में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि उस वक्त $7.5 मिलियन आज के $500 मिलियन के बराबर ही हैं। दोनों जहाजों की लागत में जमीन और आसमान का अंतर है, पर जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इसकी बनावट में कुछ खास अंतर नहीं है। टाइटैनिक 2.0 पुराने से केवल 3 फीट लंबा है, यानी इसकी लंबाई 13.3 फीट है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए बनने के बाद भी नए और पुराने टाइटैनिक की स्पीड में भी कुछ खास अंतर नहीं है। जहां पुराने टाइटैनिक की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर थी, नए टाइटैनिक की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है। पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में ये दोनों तकरीबन सेम है। टाइटैनिक 2.0 में 2,400 पैसेंजर और 900 क्रू मेंबर्स ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं पुराने टाइटैनिक में कुल 3,320 यात्रियों ने सफर किया था। टाइटैनिक 2.0 में पुराने टाइटैनिक वाली फीलिंग लाने के लिए इंटीरियर्स को सेम बनाया गया है, यानी पुराने टाइटैनिक की तरह इसमें भी टर्किश बाथ, एक स्विमिंग पूल, 2 सैलून, 2 लाइब्रेरी, 4 रेस्टोरेंट्स, 3 गैलरीज, जिम, स्क्वैश कोर्ट, एलिवेटर्स और स्पाइरल सीढ़ियां होंगी। पर नए जमाने के हिसाब से इसके इंटीरियर में थोड़ा बदलाव किया गया है। मनोरंजन के लिए इसमें एक थिएटर और कैसीनो भी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके वजन में भी थोड़ा अंतर रखा गया है। टाइटैनिक 2.0 पुराने टाइटैनिक से तकरीबन 10,000 टन अधिक वजनी होगा। जाहिर है ईंधन के मामले में भी नया टाइटैनिक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा, यानी पुराना टाइटैनिक कोयले से चलाया गया था, लेकिन टाइटैनिक 2.0 को चलाने में डीजल और बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं असल ट्रेजेडी पर। अगर दोनों टाइटैनिक्स में सब कुछ सेम है तो क्या इसका भी हश्न पुराने टाइटैनिक जैसा ही होगा?
अब हम सभी ये तो जानते ही हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब गया था, जिसके लिए उसके टेक्नोलॉजी को कम और उसके क्रू मेंबर्स को अधिक दोषी ठहराया गया था। फिर टाइटैनिक 2.0 में पुराने हादसे को देखते हुए कई बातों का ख्याल रखा गया है। इसमें GPS नेविगेशन, सेफ्टी रेगुलेशन और रेडार टेक्नोलॉजी जैसे नए फीचर्स रखे गए हैं। ये नई तकनीक कैप्टन और क्रू मेंबर्स के संपर्क में बनाए रखने में मददगार होगी। इसके अलावा इसमें मोटर से चलने वाले 8 लाइफ बोट होंगे, जो कि 4,500 लोगों को बचाने में सक्षम होगा। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि टाइटैनिक 2.0 में सवार हर एक यात्री को बचा पाना संभव हो सकेगा। वैसे तो पुराने टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट थी, पर वो साइज के हिसाब से नए टाइटैनिक से छोटी थी। उसमें महज 1,178 लोगों को ही बचाने की क्षमता थी, जिसकी वजह से उस वक्त करीब 2/3 लोग ठंडे पानी में डूबकर मर गए थे। नए टाइटैनिक में एक अलग और खास चीज भी बनाई गई है, वो है सेफ्टी डेस्क, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के वक्त किसी का भी इलाज कर उसकी जान बचाई जा सकेगी। अब जरा रुख करते हैं चीन की ओर। अब मन में सवाल तो जरूर आता होगा कि चीन क्यों? क्योंकि बात तो टाइटैनिक की हो रही है। क्योंकि चीन नकल करने के मामले में दुनिया भर में फेमस है, तो लगे हाथ उसने भी टाइटैनिक बनाने में हाथ डाल दिया। साथ ही उसने टाइटैनिक का एक पूरा थीम पार्क ही बना डाला। ये चीन के सिचुआन क्षेत्र के डेन काउंटी इलाके में है। चीन वाले टाइटैनिक को कीजांग नदी की लहरों में तैराया जाएगा। 882 फीट लंबे और 92 फीट चौड़े इस टाइटैनिक में थिएटर, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल और ऑब्जर्वेशन डेस्क होगा। इसमें सवारी करने के लिए खर्च अधिक भी नहीं होगा। इसमें एक रात बिताने के लिए आपको महज 2,000 युआन यानी तकरीबन 23,500 रुपए खर्च करने होंगे। 2016, 2018 और अब 2022, क्या वाकई इसी साल टाइटैनिक 2.0 पर यात्रा की जा सकती है? कुछ सर्कमस्टेंसेस पर गौर करें तो शायद इस साल भी इस पर ट्रैवल करना संभव होता नहीं दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ब्लू स्टार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2018 से लेकर अब तक किसी तरह की कोई अपडेट दिखाई नहीं देती है। कुछ और वजहों में से एक वजह इस देश के लोग ही है। चार्ल्स हास, जो कि US बेस्ड टाइटैनिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका इस बारे में कुछ और ही कहना है। उन्होंने टाइटैनिक हादसे को ह्यूमन टच देते हुए पामर पर सवाल उठाया है कि किसी भी हादसे को सिर्फ याद किया जाता है, ना कि उसे रिक्रिएट किया जाता है। साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि पाल्मर टाइटैनिक जैसे भीषण हादसे में मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब चौंकने का वक्त आ गया है। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से नहीं डूबा था, ये जहाज में हुए भयानक विस्फोटों की वजह से टूटा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसके कई दावे किए गए हैं। पहला, ब्राइट साइट की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में ही सवार और हादसे में जिंदा बचे बैगिनेक ब्यूरेट का वो बयान जिसमें विस्फोट की बात कही गई थी। दूसरा, मेजर आर्थर जी फ्यूजन, जो कि टाइटैनिक के यात्री थे और वो भी जिंदा बच गए थे, उनका भी ये दावा था कि उस रात में उन्होंने एक विस्फोट सुना था जिसके बाद जहाज डूब गया। तीसरा, जॉर्ज फ्रेडरिक क्रो, जो कि टाइटैनिक में लाइफ बोट डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, जान बचने के कई साल बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने विस्फोट वाली बात कही थी। पर 30 साल टाइटैनिक पर शोध कर चुके जर्नलिस्ट सैनल मनोली ने अपने निष्कर्ष में बताया कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे तीनों ही वजह थी, आग, आइसबर्ग और जहाज के स्टाफ की लापरवाही। तो दोस्तों, क्या आप भी टाइटैनिक 2.0 की सवारी करना चाहते हैं और इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।